बच्चों, अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हैं तो डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। बस सवाल का फ़ोटो लीजिए, क्रॉप करके पाइए 5 सेकेंड में वीडियो सलूशन। और साथ में आप सभी लोगों का, चाहे वो होमवर्क हो, चाहे आप किसी भी बोर्ड CBSE, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या अदर बोर्ड के हों, और साथ में क्लास 6 से 12 के साथ साथ IIT, JEE, मेन्स, एडवांस, नीट, और चाहे किसी भी सब्जेक्ट में आपका, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, सभी का आप सभी को वीडियो सोल्यूशन मिलने वाला है। और साथ में क्लास 9 से 12 तक का लाइव क्लासेस चलाया जा रहा है, जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में चलाया जा रहा है। और साथ में फ्रेंड्स, इस पे देखिए 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए पढ़ाई कर रहे हैं। तो डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला है आपके यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम 2021 का। जैसा कि आप सभी को पता है, फॉर्म आ चुका है, मैंने वीडियो भी बनाया था, तो काफ़ी लोगों का कन्फ्यूज़न है और आपको पता भी होगा इसमें काफ़ी ग्रुप होते हैं, ए से लेकर के ग्रुप होते हैं। इसमें के ग्रुप में भी K1 से लेकर K8 तक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं ग्रुप्स। और कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है, सर कौन सा ग्रुप है, किस ग्रुप में कौन सा कोर्स है, क्या सिलेबस हैं, क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगे, सब कुछ एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करूँगा। तो देखिए भाई, इतना वीडियो पूरा कम से कम मे भी हो सकता है 12 से 15 मिनट लग सकता है, और भी लग सकता है टाइम। तो एक बार सिंपल सा आप सभी से केवल एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। अगर बीच में स्किप किए तो आपको फिर वही बाद में कमेंट करते हैं कि सर कैसे है क्या है, तो आपको पहले समझ लीजिए। और साथ में सिलेबस के साथ साथ क्वालिफिकेशन सब कुछ बताऊँगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अगर आप लोग बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करो, टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप पर फ्री आप कॉस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लाइव क्लास चलती हैं उसकी PDF दी जाती है, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं डेली शाम को लाइव क्लास भी चलाता हूँ यूपी पॉलिटेक एंट्रेंस एग्जाम के लिए 2021 का टारगेट बैच, जाके उसको भी देखा करिए। और आप सभी के लिए देखिए, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया 888-744-6489। ये देखिए केवल ए ग्रुप वालों का है, जिसमें मैथ के लिए स्पेशल बनाया गया ग्रुप। अगर ज्वाइन होना होगा आप इस पर मैसेज करिएगा ज्वाइन। और गर्ल्स एंड बॉयज़ अलग अलग ग्रुप है, तो इसलिए गर्ल्स एंड बॉयज़ है तो बता दीजिएगा आप गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं, उसके बाद फिर अलग अलग ग्रुप में ऐड किया। और बता दें 80 रुपये चार्ज फीस है, अभी मैं भी आगे चल के 100 रुपये भी कर सकता हूँ, फीस बढ़ा भी सकता हूँ, लेकिन अगर आप लोग अभी ज्वाइन होंगे तो आपको 80 रुपये में ज्वाइनिंग मिल जाएगा। और एक भी बता दूं भाई साहब कि आपको केवल एक बार फीस देना है और एग्ज़ाम तक मिलेंगे क्वेश्चन, डेली 5 से 10 क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट उसको दिया जाएगा। इसे जिसको ज्वाइन होना है जाके इस नंबर से आप हमें व्हाट्सअप करिएगा। और सीधा चले जाते हैं पॉइंट्स पे, तो भाई साहब एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और साथ में देखिए, जितना कन्फ्यूजन इसी में दूर करने वाला हूँ, तो देखिए इन्फॉर्मेशन जीकॉप 2021 पॉलिटेक्निक का पूरा एलिजिबिलिटी फॉर अपेयरिंग इन पॉलिटेक्निक 2021, तो देखिए पूरा मैं बता रहा हूँ। और देखिए, एज देयर इज नो एनी अपर एज, बट कैंडिडेट मस्ट बी अटेंड मिनिमम 14 ईयर्स ऑन 1 जुलाई, यानी 1 जुलाई तक स्टूडेंट की जो है एज हो जानी चाहिए 14 साल, तभी वो फॉर्म फिल कर सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और सीधा आते हैं, आपको देखिए ग्रुप कई हैं ए से लेके के तक, और मिनिमम एलिजिबिलिटी मतलब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इसके लिए, और सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन परसेंटेज फॉर एग्जाम, यानी कितना कितना क्वेश्चन आएगा वो भी बता दिया जाएगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ आप सभी को इसमें केवल ग्रुप बताऊँ, एंड सिलेबस आपको एक नेक्स्ट अलग से वीडियो बनाया जाएगा, जैसे ए ग्रुप के लिए BCDEF सबका अलग अलग जो ग्रुप है स्पेशल, उस पर बता दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन परसेंटेज होंगे, यानी कितना कितना क्वेश्चन आने वाला है। और एक एग्जाम पैटर्न पर भी वीडियो बना दिया हूँ, उसको भी देखिए। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न पर भी वीडियो बना दूंगा, कितना क्वेश्चन आएगा, कितना माइनस मार्किंग है, कितना पॉजिटिव है, यानी कितने क्वेश्चन कितने हैं, और सब कुछ डिटेल बताया जाएगा। तो आज केवल मैं एलिजिबिलिटी बता देता हूँ, जिसको जो कोर्स करना हो कर लीजिएगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको क्वालिफिकेशंस बताऊँ, यानी क्वेश्चन सिलेबस बताऊँगा क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए, कोर्स में ग्रुप ए की बात करें, ग्रुप ए में काफ़ी ज़्यादा जो क्वालिफिकेशन है, आपको देखिए 10th पास होना चाहिए अपेयरिंग विथ मिनिमम 35% मार्क्स। देखिए अगर आप 10 पास हैं, 35% मार्क्स से परसेंट के साथ पास हैं, बस पास हैं 10 में, तो आप इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी डिप्लोमा भर सकते हैं 3 ईयर्स का, ग्रुप ए का है, 3 साल का ड्यूरेशन इसका होता है।
और अपेयरिंग मतलब अभी पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, तो आप भी फिल करना चाहते हैं, तो अगर आप लोग 10 के बाद डायरेक्ट पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं इंजीनियरिंग 3 साल का, तो टाइम वेस्ट मत करिए, फॉर्म फिल कर दीजिए। अब वही बात करते हैं दूसरे की, तो दूसरा है बी ग्रुप। बी ग्रुप आता है आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कृषि इंजीनियरिंग है जॉब क्या। क्वालिफिकेशन की बात करें, एलिजिबिलिटी 10 पास होना चाहिए या पेयरिंग विथ एग्रीकल्चर एंड मिनिमम 35% मार्क्स और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट इन 12th। यानी अगर आप 10 पास हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, आप लोग को 10 में एग्रीकल्चर होना चाहिए अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, या तो 12th होना चाहिए आपका एग्रीकल्चर के साथ, मिनिमम 35% मार्क्स होना चाहिए और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, अगर 12 में भी एग्रीकल्चर तो भी फिल कर सकते हो, नहीं 10 पास या अपेयरिंग विद एग्रीकल्चर 35% सबके लिए है। सी की बात करें, सी काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स के लिए, अगर गर्ल्स आप हैं भाई और 10th से हैं तो गर्ल्स आपके लिए, ए गर्ल्स के लिए ए वाला ब्रांच काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होता है। फैशन डिज़ाइन, होम साइंस एंड टेक्सटाइल डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग, फैशन डिज़ाइन इसको FD बोलते हैं और होम साइंस एंड टेक्सटाइल डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग में है। इसके लिए देखिए 10 पास हो या अपेयरिंग हो, मिनिमम 35% मार्क्स के साथ, देखिए इसको गर्ल्स एंड बॉयज दोनों भरते हैं, लेकिन अभी गर्ल्स भी इसमें ज़्यादा एडमिशन ले रहे हैं, तो बॉयज़ के लिए भी एडमिशन तो हो ही रहा है, लेकिन गर्ल्स हैं आप तो ए वाला सी ग्रुप जरूर चूज करें अगर टेक्सटाइल डिज़ाइन या होम साइंस में आप सभी को इंटरेस्ट है। डी की बात करते हैं, डी ग्रुप आप सभी का है मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, यानी मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है। जिसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए 12th पास या अपेयरिंग हिंदी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट इन 10 और 12th, आप 12 पास होना चाहिए। अगर आप अपीयर हैं हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट इन 10, अगर आप 10 में हैं हिंदी और अंग्रेज़ी, तो इंग्लिश और हिंदी होना चाहिए आपके 12th में भी, तो भी आप मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल भर सकते हैं, या तो 12 पास हैं तो भी। इस चीज़ को ध्यान रखिए, हिंदी इंग्लिश होना चाहिए। और उसी डी ग्रुप में D1 और D2 ग्रुप करके है, D1 का तो होगा, D2 की बात करें तो आपका लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड साइंस है। जिसकी क्वालिफिकेशन देखिए 12th पास या अपेयरिंग होना चाहिए, अपेयरिंग मतलब आप लोग उसमें स्टडी कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। डेली लाइव को शाम को क्लास चलता है जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब बात करते हैं आप सभी के सीधे ई ग्रुप के बारे में। ई ग्रुप जान लीजिए आप सभी का होता है, ई ग्रुप होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी का, डी फार्मा जिसको बोलते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी का। इसमें देखिए दो ग्रुप होते हैं, E1 और E2 होता है। E1 जो होता है आपका बायो के लिए होता है, और E2 जो होता है आपके लिए मैथ ग्रुप वालों के लिए होता है। अगर बायो हो तो बायो की 50 क्वेश्चन, मैथ हो मैथ का 50 क्वेश्चन होगा। बात करते हैं क्वालिफिकेशन यानी एलिजिबिलिटी की, तो पास होना चाहिए 10+2 विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज कंपल्सरी सब्जेक्ट विथ मैथ और बायोलॉजी जूलॉजी और बॉटनी। तो देखिए अगर 12th है तो आप पास होने चाहिए, अपेयरिंग नहीं, पास होने चाहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपल्सरी सब्जेक्ट, यानी आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए और मैथ के साथ होना चाहिए, यानी PCM होना चाहिए, तो भर सकते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी E2 ग्रुप मैथ का। वहीं अगर आपका जूलॉजी एंड बॉटनी है तो आप लोग बायो ग्रुप का भरिएगा। ये आपकी बात करते हैं, यह काफ़ी ज़्यादा एक ग्रुप है आप सभी के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी, जिसको टिशू कल्चर है, एक आपका टिशू कल्चर जिसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी का है। जिसमें देखिए भाई, अगर आप BSc किए हुए हैं, BSc पास या अपेयरिंग विद बायोलॉजी केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री, यानी अगर BSc पास है अपेयरिंग है, यानी इस साल 3rd ईयर फाइनल ईयर में है, तो आप भी फिल कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी टिशू कल्चर में, जो कि देखिए BSc पास होना चाहिए, अपेयरिंग होना चाहिए, लेकिन इसमें बायो और केमिस्ट्री होना चाहिए या बायोलॉजी और बायो केमिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। वीडियो सभी लोग पूरा देखिए, अगर स्किप करके जा रहे हैं तो मुझे मत कहिएगा कि नहीं समझ में आया, ये आपकी ज़िम्मेदारी होगी। फिर जी ग्रुप की बात करते हैं, ये है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स, इसका देखिए एलिजिबिलिटी की बात करते हो, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन पास्ट या पेयरिंग, एनी डिसिप्लिन में होना चाहिए आपका, डिप्लोमा कर सकते हैं आप लोग या पेयर होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट। और जी ग्रुप में भी G1, G2, G3 ऐसे कई ग्रुप हैं, सब ग्रुप जिसको बोलते हैं, और इसमें करीब 8 से 9 ग्रुप हैं, तो इसलिए उसमें टाइम लगेगा। तो मैं एक स्पेशल, अगर आप लोगों को चाहिए जी ग्रुप के बारे में,
तो स्पेशल G1 G2 ग्रुप के बारे में वीडियो बना दिया जाएगा। अब सीधा आते हैं H ग्रुप के बारे में। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई साहब, आपको पूरा कन्फ्यूजन दूर किया जाएगा। सीधा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ग्रुप एक आपका है H, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, यानी डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी है आपका H ग्रुप। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको मिलने वाला 12th पास या पेयरिंग विद 35% मार्क के साथ आप लोग 12th पास होने चाहिए या पेयर होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। अब आते हैं, जो लोग चैनल पर नए हैं लोग पर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं लाइव आऊँगा कोई भी इंपॉर्टेंट चेंजेज हो, अपडेट हो, तो आपको सबसे पहले पता चले। और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, जो कि इंपॉर्टेंट नोट्स वहाँ पर मिलते हैं। और पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जानना है तो स्टार्टिंग बता दिया, और जरूर ज्वाइन हो जाइए। मेरे ग्रुप का टारगेट है कम से कम 50 क्वेश्चन मैथ का था, तो उसमें 45 क्वेश्चन का टारगेट आप लोग सही करके आएंगे। और 18 रुपीज़ है, वन टाइम चार्ज है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आते हैं सीधा आई ग्रुप के बारे में। आई ग्रुप का मैंने पेपर भी अपलोड किया, जिसको नहीं पता क्या क्या है तो देख लीजिएगा। आई ग्रुप का भी वीडियो मैंने, मेरे पास आई के और ए ग्रुप का सॉल्व पेपर के साथ अपलोड है मेरे चैनल पे। बात करते हैं इसकी आई ग्रुप की। तो आई ग्रुप में देखिए टोटल होते हैं आपके, जिसको बोलते हैं कौन सा कोर्स है, डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, यानी डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग है। इसमें देखिए क्वालिफिकेशन बात करें, 12th साइंस या पास, 12th साइंस के पास साथ पास होने चाहिए आप 12th, या पेयरिंग एंड एग्रेटेड 50% मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। और देखिए ध्यान समझिए, 12th पास या पेयरिंग होना चाहिए और साथ में PCM फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ में 50% मार्क्स होने चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसमें 35 नहीं 50% बोला है। अब देखिए आपको पता है के ग्रुप के बारे में, तो मैंने ही पहले ही बताया था के ग्रुप जो होता है इसमें 8 ग्रुप हैं, K1 से लेके K8 तक। अगर आपको नहीं पता है K1 ग्रुप क्या है, K2 ग्रुप क्या है, K3 ग्रुप क्या है, मैकेनिकल लेट, क्योंकि देखिए लेटर एंट्री होता है कई हैं, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, डिप्लोमा इन सिविल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, IC, ऐसे कई ब्रांचेज हैं 8 ग्रुप में। तो उसकी देखिए अलग अलग क्वालिफिकेशन होती है, और क्वालिफिकेशन होती है एंड उसका अलग कोर्स भी होता है अलग अलग। जैसे मैकेनिकल तो मैकेनिकल अलग होगा और उसकी क्वालिफिकेशन भी अलग होगी, इसलिए इसके लिए अलग बताया गया है। पर देखिए रिफर टेबल इतना लिखा है, लेकिन मैं चलिए आपको एलिजिबिलिटी ईयर बता दूंगा। ये जो होता है कि ये ग्रुप होता है लेटर एंट्री इन सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिप्लोमा कोर्स, यानी आपको अगर 12th पास है इसके लिए 12th या ITI होना चाहिए, 12th होना चाहिए PCM के साथ और ITI होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड के साथ, जैसे मैकेनिकल तो मैकेनिकल से। तो ऐसे ऐसे है, तो मैं एक स्पेशल वीडियो के ग्रुप का बना दूंगा, तो उसको देखिएगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को नहीं पता है, कैसे पता चलेगा, सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए 12th पास, PCM या ITI, K1 K2 यहाँ पर सब कुछ लगा हुआ, मैं एक स्पेशल वीडियो उस पर बना दूंगा। तो फ्रेंड्स आशा आप सभी को वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद लाइक दे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको ऐसे ही UP पार्टी के इंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड छोटे छोटे अपडेट सबसे पहले मिले। एंड कोई कन्फ्यूजन तो हमें कमेंट कर सकते हैं, एंड डेली लाइव क्लास चलता है। और भाई साहब अगर आप लोगों को फेसबुक पे, इस फेसबुक पे से जुड़ जाइए फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम ग्रुप से, लेकिन अगर पेड कोर्स ज्वाइन करना व्हाट्सअप वाले पे, डेली 5 से 10 क्वेश्चन मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है, टारगेट है 50 में से 45 क्वेश्चन सही करके आए आप लोग, तो उसके लिए 80 रुपये चार्जेस अगर ज्वाइन हो जाइए, जिसको ज्वाइन होना लिमिटेड है, उसके बाद फिर सीट भी बढ़ा दी जाएगी। चलिए आशा वीडियो आप सभी को पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए अपडेट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।